नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो इस YouTube चैनल में मैंने पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आप सबको बताई है। अगर आप सब ने पोषण ट्रैकर ऐप इंस्टॉल करके काम करना शुरू कर दिया है तो आप लोग मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर वन में कि गर्भवती महिला को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में सारा डिटेल्स भर के बताया था। और उसके बाद मैंने बताया था कि मॉड्यूल नंबर 2 में स्तनपान कराने वाली माताओं का कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। और फिर मैंने बताया था आपको मॉड्यूल नंबर 3 में 0 से 6 महीने वाले बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप सभी ने मेरा वो वीडियो देखा है, और अगर आप लोगों ने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने सारा जानकारी आपको स्टेप बाई स्टेप समझाया है। कल हैं मॉड्यूल नंबर 4 में 6 महीने से लेकर 3 साल के बीच में जो भी बच्चे आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम लोग जानेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए, और बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं इस टाइप का वीडियो लाऊं आप सब तक पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है आगे का वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे। पोषण ट्रैकर ओपन करने के बाद यहाँ कोने में एक ऑप्शन दिखाई देता है जहाँ से आप लोग अपने भाषा को बदल सकते हैं, जिससे कि आपको अपने भाषा में समझने में आसानी हो। तो आप लोग यहाँ से जाकर अपने भाषा को चेंज कर लीजिए। और चेंज करने के बाद चलिए हम लोग छः महीने से 3 साल वाले बच्चे के कैटेगरी को ओपन करते हैं और उसमें सारा डिटेल्स भरते हैं कि क्या क्या डिटेल्स उसमें मांग रहा है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि रिकॉर्ड अभी तक कोई भी नहीं भरा गया है। हम आपको रिकॉर्ड भर के दिखाएंगे। ये लाभार्थी जोड़े पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाभार्थी का नाम लिखेंगे, जो 6 महीने से 3 साल के बच्चे हैं उनका यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो चलिए हम लोग नाम लिख लेते हैं और आधार संख्या, स्वास्थ्य आईडी, जो भी इसमें डिटेल्स मांग रहा है उसको हम लोग भर के उसके बाद आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे हमने लाभार्थी का नाम डाल दिया है और यहाँ पे आधार संख्या नहीं है, तो अभी फ़िलहाल मैं आधार संख्या यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। जब इस लाभार्थी का आधार संख्या मिल जाएगा तो हम लोग इसको यहाँ पे आधार संख्या ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्वास्थ्य आईडी इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद जन्म की तारीख डाल देंगे, जो भी उस बच्ची का जन्म है, जन्म की तारीख है उसको यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिंग सेलेक्ट कर लेंगे, वो बच्चा है या बच्ची है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसके पिता का नाम लिखेंगे, उसके माता का नाम लिखेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। और सारा चीज़ डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सबमिट का, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको सबमिट कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट कर दिए। रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया, रिकॉर्ड हम लोग का जुड़ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड हम लोग जोड़ दिए हैं। अब चलिए हम आपको दूसरा रिकॉर्ड जोड़ के दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे दूसरे लाभार्थी का भी नाम ऐड कर दिया है, और यहाँ पे आप लोग सिर्फ इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग इसमें हिंदी में लिखने जाएंगे तो आप लोग का हिंदी में यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। किसी के भी पोषण ट्रैकर ऐप में सपोर्ट नहीं करता है हिंदी में, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इंग्लिश में ही इंग्लिश लैंग्वेज में ही सपोर्ट कर रहा है। तो आप लोग सारा डिटेल्स यहाँ पे इंग्लिश में ही भरेंगे। तो चलिए मैंने दूसरा लाभार्थी को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, उसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपका दूसरा रिकॉर्ड भी सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपके सामने मैंने 2 रिकॉर्ड जोड़ दिया है। रिकॉर्ड जोड़ने के बाद आपसे कुछ गलती हो जाता है या कुछ छूट जाता है उसमें, अगर ये मान लीजिए किसी बच्चे का आधार कार्ड इसमें ऐड करना है तो आप लोग यहाँ 3 डॉट पर जाएंगे। 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करे पे जाएंगे, और उस बच्चे का आधार कार्ड अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या कुछ भी इसमें चेंज करना चाहते हैं जैसे नाम में कुछ मिस्टेक हो गया है या डेट ऑफ बर्थ या उसके पिता का नाम या मोबाइल नंबर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से जाके उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक लाइक ज़रूर करें, और साथ में अगर आप लोगों को इस पोषण ट्रैकर ऐप में कोई भी परेशानी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो इस वीडियो को आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उन सभी आंगनबाड़ी बहनों को इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।